हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तुरई की सब्ज़ी। तुरई की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम तुरई को धोकर इस तरह टुकड़ों में कट किया है। चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम एक कढ़ाई में तेल डालेंगे और तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे एक गट्टा लहसुन का बारीक कट करके डालेंगे। चार से पांच हरी मिर्च कट करके डालेंगे और इसे 2 मिनट भून लेंगे। हमने इसे अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें 2 टमाटर बारीक कट करके डालेंगे। और इसे भी गलने तक पका लेंगे। टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे, 2 मिनट तक हमें इसे भूनना है। सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें कट की हुई तुरई डालेंगे। अब हम इसमें आधा कटोरी धुली हुई मूंग दाल डालेंगे। तुरई और मूंग दाल डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसे अच्छे से मिला दिया है, अब हम इसे ढककर तुरई और मूंग दाल गलने तक पका लेंगे। चलिए अब हम इसका ढक्कन निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर कट किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए हमारी तुरई की सब्जी बनके तैयार है। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।